नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग की। इससे पहले हमने बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज डिस्कस कर ली, जैसे कि हमने कंडीशनिंग थ्योरीज डिस्कस की थी, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, फिर ट्रायल एरर हमने भी पढ़ लिया, और अब जो है एक इम्पोर्टेंट और थ्योरी है लर्निंग में ही, वो है इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग बहुत ही फेमस है और इसको बहुत ज़्यादा हम फ्रिक्वेंटली यूज भी करते हैं। क्या है इस थ्योरी में, डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनसाइट का मतलब क्या होता है। इनसाइट का मतलब होता है जब हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज में, तो वो होता है इनसाइट। इनसाइट के लिए आपको बहुत सारी चीजें समझनी होती हैं। जब भी कोई आपके सामने प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को आपको समझना होता है, उनके सभी पहलुओं को समझना होता है, उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें आपस में कनेक्शन बिठाना पड़ता है, तब जाके हम अपनी थिंकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। तो इनसाइट जो है वो बेसिकली इसी के बारे में बात करती है। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो ये इनसाइट थ्योरी है ये गैस्टाल्टिस्ट ने दी थी, इसको ध्यान रखिएगा, ये वर्ड है गैस्टाल्टिस्ट, इसको हिंदी में भी गैस्टाल्टवादी कहते हैं, मतलब ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो कि इसमें बिलीव करते हैं, गैस्टाल्टिस्ट है। किसमें? गेस्टॉल्ट। अच्छा, गेस्टॉल्ट एक अलग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हो जाती है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि जो कोई भी प्रॉब्लम है, या फॉर एग्जांपल किस बच्चे को हम कुछ भी सिखाते हैं, तो बच्चे को हम एज अ पार्ट करके नहीं सिखाते, उसको एज अ होल सिखाते हैं। मान के चलिए अगर आप बच्चे को पेड़ के बारे में बताना चाहते हैं, तो पेड़ के बारे में बताने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप पेड़ के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पहले बताना शुरू कर दें कि भाई ये जड़ होती है, ये तना होता है, ये इसकी पत्तियां हैं, उसकी प्रॉपर्टीज बताना शुरू कर दे, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि नहीं, आपने डायरेक्ट बच्चे को पेड़ दिखा दिया, उस पूरे पेड़ को बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, खुद से ही समझने की कोशिश कर रहा है कि भाई फल कहाँ लग रहे हैं, पत्तियां इसकी कैसी हैं, जड़ इसकी दिख नहीं रहे, जमीन के नीचे इसके जड़ हो सकते हैं, तना, ये सारी चीजें, मतलब बच्चे को पूरी इमेज दिखा दी और बच्चा फिर उसके बारे में आपसे बात करेगा और आप बच्चे को उसके बारे में बताएंगे। तो गेस्टाल्टिस्ट जो है वो इसी में बिलीव करते हैं, किसमें? होलनेस में, कि भाई बच्चे को सारी चीजें जो होती हैं एज अ होल समझ में आती हैं। इसीलिए इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो इनके द्वारा ही दी गई है, जिसमें ये कहते हैं कि बच्चे के सामने जब कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो बच्चा उस प्रॉब्लम को एज अ होल पहले देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करता है, और उसके बाद एक सॉल्यूशन पे निकलता है। इस जो इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग है, इसमें दो नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है कोहलर, दूसरा है कोफक्का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोहलर। जब भी इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात होगी तो कोहलर का नाम पहले आता है। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे अपनी इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, और उनका जो सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट रहा है वो एक चिंपैंजी यानी कि वनमानुष के ऊपर है, जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान इनके द्वारा ही पाला गया एक चिंपैंजी था, जो कि एक जगह रखा गया था, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उनके एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हुए, उन्होंने इस पे मेनली दो एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट किए, जिसको कि मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। उन्होंने इस थ्योरी को साबित करने के लिए सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट ये किया था कि उन्होंने एक पिंजरे में इस वनमानुष को रख दिया था, ठीक है, इस पिंजरे में इस वनमानुष को रख दिया था, और इस पिंजरे में छत की तरफ क्या था, केले को लटका के रखा गया था, कुछ इस तरीके से केले लटका दिए गए थे। अब इसके अंदर एक यहाँ पे वनमानुष को बिठा दिया गया, वनमानुष था यहाँ पे। अब इसके सामने चैलेंज था, इसको भूख लगी थी और इसको इस केले को खाना था, लेकिन अब ये कैसे खाए? इसके लिए कोहलर ने क्या किया कि बाहर थोड़ी सी दूरी पर एक टेबल बनाया, इस टेबल पर यहाँ पे कुछ इन्होंने क्या रख दी, स्टिक रख दी, छड़ी रख दी, ये कुछ स्टिक इन्होंने रख दी, रॉड रख दी, ठीक है, ये थोड़ी सी दूरी पर था, इतनी दूरी पे कि आराम से वनमानुष इसको उठा सकता था ये। तो इस चिंपैंजी ने क्या किया कि काफी देर तो एफर्ट किया इसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी हाइट ज्यादा थी तो उसको तोड़ नहीं पाया। फिर ये थोड़ी देर के लिए बैठ गया आराम से, क्योंकि थक गया था, थोड़ी देर के लिए बैठ गया। फिर अचानक से उठता है, वो क्या करता है, इस छड़ी को उठाता है और उसे खेलना शुरू करता है। खेलते खेलते क्या होता है कि वो इन दो तीन छड़ियों को आपस में जोड़ देता है, और जब वो उसको जोड़ देता है तो एक लंबी छड़ी बन जाती है, जिसकी मदद से वो इस केले को तोड़ लेता है। इस प्रक्रिया को दोबारा जब दोहराया जाता है तो इसमें बिना समय गवाए वनमानुष सीधा छड़ी को जोड़ता है और उस केले को तोड़ लेता है। तो ये एक एग्जांपल था इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग का। यहाँ पे वनमानुष के सामने जब उसने देखा कि समस्या क्या है, केले को तोड़ना, अब वो केले को तोड़ने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन उससे हो नहीं पा रहा, वो थोड़ी देर बैठता है, रेस्ट करता है, उसके बाद
शायद उसके दिमाग में एक आहा एक्सपीरियंस, आहा एक्सपीरियंस अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आहा एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने बात की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगा आहा एक्सपीरियंस क्या होता है। तो वन मानुष के दिमाग में आहा एक्सपीरियंस, आहा एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि अचानक से इनसाइट आ जाती है, अचानक से वो दिमाग लगा लेता है कि हाँ इसकी मदद से काम हो सकता है। उसने छड़ी उठाई और इस केले को तोड़ लिया। इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दूसरे तरीके से किया कि इस बार इन्होंने क्या किया कि टेबल नहीं रखा, इस बार उन्होंने सेम सिचुएशन थी, केला ऊपर था लेकिन इसके अंदर बॉक्सेस रख दिए, कुछ ऐसे बॉक्स रख दिए कि जिसकी मदद से वनमानुष इस केले को तोड़ सके, दो तीन बॉक्स कुछ इस तरीके से अंदर ही रख दिए। अब फिर से वही समस्या थी कि भाई कैसे तोड़े, यहाँ पे छड़ी तो थी नहीं जो अचानक से छड़ी उठाए और तोड़ ले बिना समय गवाए। तो उसने फिर से वो खेलने लगा इन बक्सों के साथ, लेकिन उसने क्या किया इस बार कि इन बक्सों को एक के ऊपर एक रख दिया, ठीक है, और इस प्रकार उसने इस केले को तोड़ लिया। तो यहाँ पर भी ये वनमानुष जो था ये सफल हुआ इस केले को तोड़ने में। तो यहाँ पर जो ये थ्योरी निकल के आती है इसी को हम इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। यहाँ पे कोहलर ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया कि इनसाइट यानी कि एक समझ अगर हमारे अंदर किसी चीज की होती है, किसी प्रॉब्लम की होती है, तो हम सूझ के द्वारा उस प्रॉब्लम के बारे में सोच के उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, जहां जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में इस वनमानुष ने किया था। अब यहाँ पर कुछ चीजें निकल के आती हैं इस थ्योरी से रिलेटेड जो कि हमें डिस्कस करने की जरूरत है। जैसा कि अभी हमने देखा कि किस प्रकार से जो ये थ्योरी है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये कहती है कि बच्चा प्रॉब्लम को देख करके सॉल्व करता है, पहले उसको समझता है। अब यहाँ पर कुछ स्टेजेस हो जाते हैं इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के। सबसे पहला तो होता है कि प्रॉब्लम, कि बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को वो अच्छे से देखता है, उसके सभी पहलुओं पर अच्छे से विचार करता है, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, और उसके बाद वो एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। तो प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम के साथ वो क्या करेगा, एक कनेक्शन, जितने भी उसके पहलू होंगे एलिमेंट्स होंगे उनमें कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेगा। उसके बाद वो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे जाएगा कि भाई इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, और इस दौरान क्या होगा कि अगर उसका मान के चलो कि कोई भी वो जो एफर्ट कर रहा है, जो भी वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, अगर वो काम नहीं करता तो एक स्टेज आती है स्टेज ऑफ इनएक्टिव, जिसमें कि वो थकार के बैठ जाता है, जैसे कि इस केस में हमने देखा था वनमानुष के साथ हुआ था। एक स्टेज ऑफ इनएक्टिव होती है, इसमें थक जाता है कि यार अब नहीं हो रहा मुझसे, छोड़ के बैठ जाता है आराम से, लेकिन बैठे बैठे भी वो उसके बारे में सोच ही रहा होता है, ठीक है, और अचानक से उसके दिमाग में एक होता है आहा एक्सपीरियंस, जिसके बारे में अभी मैंने बात भी की थी, आहा एक्सपीरियंस। आहा एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि अचानक से उसके दिमाग में विचार आ जाता है, आइडिया आ जाता है कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये होता है आहा एक्सपीरियंस, ठीक है। आपके और हमारे साथ ही होता है, कई बार हम किसी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे होते हैं, अचानक से हमारे दिमाग में बात क्लिक करती है, तो जो कहते हैं ना बात, मेरे दिमाग में अचानक से एक आइडिया क्लिक कर गया। तो आइडिया क्लिक करने का मतलब क्या है, यहाँ कोहलर की भाषा में इसी को उन्होंने आहा एक्सपीरियंस कहा है कि आहा एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद फिर से चिंपैंजी जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और उसके सभी पहलुओं पर वो वर्क करता है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ इसके स्टेजेस होते हैं। एक चीज और है जो कि कोहलर ने समझाई थी अपनी इस थ्योरी में, उसने कहा था कि अगर आपको ये पता करना है कि किसी भी लर्निंग में बच्चे ने इनसाइट का यूज किया है या ट्रायल एंड एरर का यूज किया है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये, आप ये पता करिए कि वो उसी सॉल्यूशन को बाकी सेम प्रॉब्लम में इंप्लीमेंट कर पा रहा है कि नहीं, ट्रांसफर कर पा रहा है कि नहीं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रही है कि नहीं। आई होप ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आप समझते होंगे, इस पर मैंने पहले ही बात की थी। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मतलब कि एक सिचुएशन में सीखी गई चीज जब आप दूसरे सिचुएशन में भी इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। तो कोहलर ये खुद कहते हैं कि अगर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रही है तो ये बात पक्की है कि बच्चे ने इनसाइट लर्निंग की है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं हो पा रही है, बच्चे एक प्रॉब्लम में सीखी गई चीजें दूसरे सेम प्रॉब्लम में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इनसाइट लर्निंग नहीं है बल्कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग है। ट्रायल एंड एरर तो आपको पता होगा, प्रयास और भूल का सिद्धांत। तो ट्रायल एंड एरर जो कि ऐसे थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था, जिसमें कि बच्चा क्या करता है, बस डिफरेंट जो उसके उसके सामने जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए वो डिफरेंट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, हाथ पैर मारता है उल्टे पुल्टे, और उसमें से कोई एक तुक्का लग जाता है, वो सक्सेस हो जाता है। तो उसी को ट्रायल एंड एरर कहा था थॉर्नडाइक ने। लेकिन इनसाइट में क्या होता है, इनसाइट में ऐसे नहीं कि बेवजह हाथ पैर मार रहा है, वो बैठ के प्रॉब्लम को पहले ऑब्जर्व करता है
उसके जितने भी पहलू हैं उसको समझने की कोशिश करता है और फिर उसका सॉल्यूशन निकालता है। तो जब अगर इनसाइट लर्निंग होगी तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी हमें देखने को मिलेगी। इसके लिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था इसी चिंपैंजी पे, जिसमें कि उन्होंने वापस से उसी चिंपैंजी को सेम वैसे ही बॉक्स में मतलब पिंजरे में रखा, ऊपर केला था और उसको वही केला तोड़ना था। अब इसके सामने क्या था, बच्चे के सामने टेबल और सीढ़ी, बच्चे नहीं वनमानुष के सामने टेबल और सीढ़ी रखी गई थी। एक टेबल और सीढ़ी रख दी गई कि ले भाई अब तेरे को केला तोड़ना है, तोड़ के दिखा। अब इस वनमानुष को भूख लगी थी, उसने सिर्फ वही चीज किया कि भाई टेबल के ऊपर सीढ़ी रखी और चढ़ गया, ज्यादा दिमाग से दौड़ाया नहीं, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी सीख चुका था इससे पहले जब उसके सामने छड़ी थी और उसके सामने बॉक्स था। उन दोनों सिचुएशन में वो चीज सीख चुका था कि इसके ऊपर रखकर मैं इसको तोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर भी उसने यही किया। और एक एक्सपेरिमेंट तो एक हद तब हो गई कि जब कोहलर ने क्या किया कि सारी चीजें हटा दी वहां से, मतलब कुछ भी नहीं रखा बॉक्स में, सिर्फ वो वनमानुष था और ऊपर केला था। तो इस केस में क्या हुआ कि वो वनमानुष उसी कोहलर को पकड़ के ले आया और उसको खड़ा कर दिया केले के नीचे और उसकी पीठ पे चढ़ के उसने उस केले को तोड़ा। तो ये एक एग्जांपल था ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, जिसमें कि उन्होंने ये पाया कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो पा रही है, और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रही है इसका मतलब बच्चे ने इनसाइट लर्निंग की है, ना कि ट्रायल एंड एरर। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग की अगर बच्चा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, प्रॉब्लम को अच्छे से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, लिंक बिठा पा रहा है, और उसके बाद एक आहा एक्सपीरियंस होता है जिसमें कि वो उस एक आइडिया को पकड़ लेता है कि हाँ इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है, और फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। और साथ के साथ हमें यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी देखने को मिलती है। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग हमें देखने को मिलती है। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो होती है थोड़े से बड़े क्लासेस के लिए ज्यादा बेटर है, बहुत ही छोटे बच्चे जैसे नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास इनके लिए इतना ज्यादा ठीक नहीं है, वहाँ पे तो बच्चे ट्रायल एंड एरर से ही ज्यादा सीखते हैं। लेकिन थोड़ी सी जो बड़ी क्लासेस हो जाती है जैसे कि फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट क्लास, इन क्लास में इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे का माइंड इतना डेवलप हो चुका होता है, बच्चा कंपेरिजन करना, क्लासिफिकेशन करना, लिंक करना सीख जाता है चीजों को, और ये चीजें सीखेगा तभी तो वो प्रॉब्लम के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उन पर विचार कर पाएगा और लिंक कर पाएगा। तो ऐसा क्या है तो इसीलिए ये जो थ्योरी है ये बड़ी क्लासेस के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, छोटी क्लासेस में इसका ज्यादा बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिलता। तो अपने आप में सारी थ्योरीज कहीं ना कहीं यूजफुल होती हैं, चाहे वो कंडीशनिंग हो गई, चाहे वो इनसाइट हो गई, चाहे वो ट्रायल एंड एरर हो गई। एक टीचर को सारी थ्योरीज पता होनी चाहिए, प्रॉब्लम को समझे, जब वो क्लास में पढ़ा रहा है तो उसको सोचना पड़ेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें किस तरह की लर्निंग बच्चे के लिए बेटर रहेगी। कई बार इनसाइट भी अच्छी होती है, कई बार कंडीशनिंग भी अच्छी होती है, कई बार ट्रायल एंड एरर भी अच्छी होती है। तो सारी थ्योरीज अच्छी होती हैं, एक टीचर को अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये तय करना पड़ता है कि मुझे कैसे बच्चे को सिखाना है, क्योंकि मेन पर्पस तो है कि बच्चा चीजें सीख जाए, और वो कैसे सीखेगा ये टीचर के ऊपर है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे आज की इस वीडियो में इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इस वीडियो को मैं इतना ही रखूंगा, ज्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करूंगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।